हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एकता है और मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ट्रे डेकोपाज। वेलकम टू माय चैनल गौरीज क्रिएटिव स्किल्स। यहाँ पर मैंने वुडन ट्रे साफ़ करके लिया है और इस पर मैं अब जैसो यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट एंड कंप्लीट द बेस कोट। चलिए तो अब एप्लीकेशन के बाद हम इसे अब ट्राई कर लेते हैं। अब ये अच्छी तरह से सूख चुका है, इसलिए अब हम इसके एजेस को स्मूथ कर लेंगे सैंड पेपर से। अब हम अपना डेकोपाज पेपर लेंगे और इसे मेजर करके काट लेंगे। ये एक फिलामेंट पेपर है, ये बिना किसी हैसल के ही आराम से पेस्ट हो जाता है। अब हम डेको मैजिक का मैट ग्लू लेंगे और अच्छी तरह से अपने वुडन सरफेस पे लगाकर फिलामेंट पेपर पेस्ट कर लूँगी। Now we will secure our work with glue. Now it is dried for our next step. Now all the four sides I will apply blue chalk paint. इसके साइड्स में मैंने मिक्स एंड मैच करके चॉक पेंट कर लिया है। इसके साइड्स में भी मैजिक ग्लू से ही सिक्योर कर लूँगी। एंड अगेन वी विल लेट इट ड्राई फॉर एन आवर। नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट, दैट इज स्टेंसलिंग। इस मॉडलिंग पेस्ट की हेल्प से हमारा वर्क और इन्हांस हो जाएगा। इस काम में हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, तभी ये अच्छे से उभर कर के आता है। वैसे मैं भी ये पहली बार ही कर रही हूँ, सो लेट्स सी हाउ द रिज़ल्ट इज़। Wow, the result is really amazing, isn't it friends? इसी तरह से अब हम आगे भी स्टेंसलिंग कर लेते हैं। इंडिया में अभी डेकोपाज मेथड काफ़ी ट्रेंडिंग है और इस तरह की ट्रे अधिकतर हम डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या फिर होम कॉर्नर्स या साइड टेबल्स पर एज अ होम डेकोर यूज़ करते हैं। हमारे भारत में गोल्डन आर्ट के बिना तो कोई भी काम अधूरी ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिंटेड मेटालिक गोल्ड पेंट का यूज़ किया है एक हल्का सा विंटेज लुक देने के लिए। सो लेट्स बिगिन।
Lastly, we will apply varnish to make it waterproof. Friends, upcoming videos में मैं DIY related, art related और बहुत सारे होम से रिलेटेड जो रिसाइकलिंग से रिलेटेड हो उस तरह की वीडियोस लाने वाली हूँ. आप कौन सा आर्ट फॉर्म पहले देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. नाउ लेट्स सी द फाइनल लुक. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा. अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.